आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स, भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑफ इंडिया, मोहन भागवत भैया। जेड प्लस सिक्योरिटी इनको दी गई है, ऐसा बोला जाता है कि इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। कौन है मोहन भागवत? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ परिवार के मुखिया हैं, वही संघ परिवार जिसके अंतर्गत 36 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और जो इस समय रूलिंग पार्टी है जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो भी संघ परिवार का एक पार्ट है। तो उसको चलाते हैं मोहन भागवत, लीड करते हैं। तो आज हम मोहन भागवत की स्टोरी जानेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। मोहन भागवत के आने के बाद बहुत कुछ बदला भैया, बीजेपी ने सरकार बना ली। तो देखेंगे हम क्या वो पूरी की पूरी कहानी है। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हर कोर्स पे 60% डिस्काउंट है। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है। नेट एग्जाम की तैयारी अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से करें तो इन कोर्सेज को जरूर अवेल करिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानना जरूरी है कि आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। वैसे एक पूरा सेपरेट लेक्चर है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर द्वारा, वो आप देख लीजिएगा, पूरा इतिहास आरएसएस का कवर किया है। क्योंकि हम मोहन भागवत के बारे में जान रहे हैं तो एक आरएसएस का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही मैं। आरएसएस की बात करें दोस्तों तो सितंबर 1925 में केशव हेडगेवार ने इसको फाउंड किया था, इसको खोजा था। वीर दामोदर सावरकर से मिलके आए थे, वीडी सावरकर से मिलके आए थे और इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने तो सीधा बोल दिया था कि भैया अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक ऐसा परिवार बनाएंगे, ऐसा ग्रुप होगा जो कि हिंदुइज्म को देखेगा, हिंदुत्व को रिवाइव करेगा। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो एक्सपेंशन शुरू होता है। हेडगेवार ने तो अपने वॉलेंटियर्स से ये बोला था, वॉलेंटियर्स लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो वॉलेंटियर्स से ये बोला था कि पहले साधु बनो फिर आरएसएस में आओ, तो साधु बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद 1940 में एमएस गोवलकर ने पूरा लीड किया आरएसएस को, उनकी अलग आइडियोलॉजी थी। कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं दोस्तों आरएसएस के। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको ब्रिटिश राज में एक बार बैन और आजादी के बाद 3 बार बैन किया जा चुका है। 1947 में जब महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथुराम गोडसे ने, तब आरएसएस को बैन कर दिया गया था। और उसके बाद फिर वो वल्लभ भाई पटेल ने ही बैन किया था और फिर उसको उठा भी लिया गया था, बैन को तो मतलब हटा भी लिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कई बार बैन हो चुकी है, आजादी के बाद भी ये बैन हो चुकी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, खत्म हुआ, तो इन्होंने हिटलर और मसोलिनी की आइडियोलॉजी की भी तारीफ की थी। तीसरी बात यह है दोस्तों, आरएसएस ने इनिशियली हमारे संविधान को नहीं माना और अभी भी बहुत से लोग हमारे संविधान को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भैया मनुस्मृति कहां है इसमें, मनु लॉस तो है ही नहीं। मनुस्मृति जो एंशियंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म का, हिंदुइज्म पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है आप देख लीजिएगा, तो इसमें वो लॉज है ही नहीं, ये तो पूरा वेस्टर्न है, हम नहीं मानते इसको। चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इनिशियली इन्होंने हमारे तिरंगे को भी नकार दिया था, ट्राई फ्लैग को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि एक अलग झंडा होना चाहिए, जो ध्वज हो वो भगवा रंग का हो, भगवा ध्वज हो, केसरी ध्वज हो, हम तभी इसको एक्सेप्ट करेंगे। और अभी भी अगर आप संघ परिवार को देखें, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, तो उनके जो फ्लैग्स हैं उसमें केसरी रंग आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों वासुदेव कुटुंबकम में ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। वैसे बता दूं आरएसएस जो है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, ये सेंट्रिस्ट मतलब लिबरल्स, ठीक है, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट एग्जांपल्स, और राइटिस्ट कंजर्वेशनिस्ट। तो आरएसएस जो है वो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, ठीक है ना, एक कंजर्वेशनिस्ट ग्रुप है। हालांकि जब से मोहन भागवत आए हैं तब से बहुत ज्यादा चेंज आया है, वो अभी हम देखेंगे। तो वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि हमको हिंदुत्व को आगे लाना है, जिस तरीके से पहले हिंदू थोड़ा सा कमजोर था, अब उसको कमजोर नहीं रहने देंगे, हम सेल्फ डिफेंस करेंगे, पहले जैसे बाहर की ताकतों ने कब्जा कर लिया था अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ये प्रोग्राम चलाती हैं, इसके लिए इनके ट्रेनिंग सेंटर्स है जिनको शाखा बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेशन हम भारत को बनाएंगे। मोहन भागवत की बात करें दोस्तों तो मोहन भागवत इस समय करंट चीफ है, मुखिया है,
संघ चालक हैं जो संघ परिवार को चलाते हैं। अब दोस्तों संघ जाहिर सी बात है ना कि अगर सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो संघ के अंदर आती है 36 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेफिनेटली संघ से निकली हैं, तो यहां पे चलेगी किसकी? आरएसएस की। बहुत सारे जो इस समय आप लीडर्स देख रहे हैं बीजेपी में वो संघ से ही निकले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस में थे, ठीक है, शाखा जाते थे। नरेंद्र मोदी बहुत ही कम उम्र में मोदी जी ने शाखा को ज्वाइन कर लिया था तो वो पूरा आरएसएस के थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ना बीजेपी में वो आरएसएस से निकले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हैं। मोहन भागवत की बात करें दोस्तों तो इनको बहुत ही व्यवहारिक बोला जाता है और एक मॉडर्निटी की तरफ ये ले जा रहे हैं आरएसएस को। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, परंपराओं को हल्का सा ये चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय परंपरा, हम बाहर का कुछ लेंगे ही नहीं। मोहन भागवत हल्का सा यहां पे चेंज ला रहे हैं। मोहन भागवत का हमेशा कहना ये है कि भैया वक्त के साथ बदलो, जैसे वक्त बदल रहा है वैसे बदलो। और वैसे काफी लो प्रोफाइल रहे हैं, ये हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, आप कभी भी इनकी स्पीचेस नहीं देखेंगे। देखेंगे बहुत ही जहां पे इनके प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चैनल पे आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफी लो प्रोफाइल लीडर है ये, ज्यादा लैमलाइट में आना पसंद नहीं करते हैं। 11 सितंबर 1950 में महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव चंद्रपुर में मोहन भागवत का जन्म होता है दोस्तों। शुरुआती पढ़ाई इनकी महाराष्ट्र में ही होती है। इनके जो चार भाई बहन है, चार भाई बहन में सबसे बड़े हैं। इनके जो पिताजी हैं मधुकर राव भागवत और इनकी जो माता जी है दोनों ही आरएसएस में हैं, आरएसएस में थे दोनों ही। तो दोस्तों परिवार जब आरएसएस में, माता पिता आरएसएस में, तो बेटा तो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। तो यहां पे इनके पिताजी भी संघ प्रचारक थे, डिविजनल प्रोमोटर थे गुजरात की तरफ से, और इनकी माता जी भी वुमेन्स विंग के लिए काम करती थी, मेंबर थी। यहां पे मोहन भागवत भी बहुत ही जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके एक फुल टाइम प्रचारक हो गए। और काफी पढ़े लिखे हैं मोहन भागवत, ये भी मैं बता दूं दोस्तों, वेटरनरी साइंस में इनका ग्रेजुएशन है और डॉक्टर ऑफ साइंस है इनके पास, डिग्री है, डॉक्टर है इस बेसिकली, ये पशु चिकित्सक है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इनका मोटिव अलग था, इनका रास्ता अलग था, अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया 1975 आते आते। अब 1975 में दोस्तों किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई, अब आप खुद सोचिए कि आरएसएस के वर्कर्स का 1975 से 1977 के बीच में, ये दो साल में क्या हाल हुआ होगा वो आप खुद ही सोच सकते हैं। मोदी जी अपने इंटरव्यूज में, और जब मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की थी तो मैंने बताया था मोदी जी को भी भेष बदल के रहना पड़ा था। कभी वो सरदार बन जाते थे क्योंकि उनका काम था कि इंफॉर्मेशन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक पहुंचाना, तो कभी वो सरदार बन जाते, कभी वो योगी बन जाते। तो यहां पे बहुत सारे लीडर्स ने ऐसे ही अपना जीवन गुजारा दो साल तक, क्योंकि सबको तो जेल में पकड़ के डाल दिया गया था ना। तो 1977 के बाद, 1977 के बाद जब इमरजेंसी हटी, उसके बाद पूरी तरीके से फुल स्विंग में मोहन भागवत जो है वो प्रचार करने लगे विदर्भ रीजन और बिहार रीजन। महाराष्ट्र तो इनका पूरा जाना पहचाना था तो वहां पे तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, साथ ही साथ इनको बिहार का भी प्रभारी बनाया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई दोस्तों, अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों अब चलिए मैं थोड़ा आरएसएस के बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको पता है कि आरएसएस के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर्स को हम शाखा कहते हैं। ये शाखा सुबह लगती है 5 बजे 5:30 बजे, तो यहां पे लोग जाते हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म है, व्हाइट क्लीन शर्ट और खाकी शॉर्ट्स। यहां पे मोहन भागवत ने खाकी शॉर्ट्स को ट्राउजर में बदल दिया है कि आप ट्राउजर भी पहन के आ सकते हैं, और टाइम भी चेंज किया। मैंने बोला ना कि मॉडर्निटी ला रहे हैं, ये आधुनिकवाद के साथ साथ चल रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है ना, एक काफी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पे ये उसको देखते हैं। तो ये इस समय आरएसएस में एक मॉडर्निटी ला रहे हैं, इन्होंने ट्राउजर्स, इस समय शॉर्ट्स की जगह आपको ट्राउजर्स दिखेगी, और इन्होंने वक्त भी चेंज किया है कि इतनी सुबह नहीं, ऐसा वक्त हम करेंगे जिसमें हर कोई फ्लेक्सिबल हो। अगर कोई इंसान ऑफिस जा रहा है तो वो भी शाखा अटेंड कर सके, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो भी शाखा अटेंड कर सके।
तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो मोहन भागवत ने शुरू किए और काफी इफेक्टिव भी है ये। तो दोस्तों ऐसा है कि शाखा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पूरे देश में, इस समय 50,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, ठीक है, अलग अलग जिले में। तो काफी अच्छा, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये दोस्तों, और हर शहर, हर जिले, हर गांव में आपको शाखा मिल जाएगी। तो यहां पे आरएसएस का एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि फिजिकल ट्रेन किया जाए, मेंटली ट्रेनिंग दी जाए, हिंदुइज्म के बारे में बताया जाए, और एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसके अलग अलग इंस्ट्रक्टर होते हैं और ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इनको अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख बनाया गया। अब कोई भी प्रमुख ऐसे तो बन नहीं जाता है ना, जाहिर सी बात है। यहां पे मोहन भागवत ने अपना कैलिबर प्रूव किया। तो 1991 से लेकर 1999 तक ये अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख थे, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूं। देखिए दोस्तों, ये ऐसी ऐसी चीजें यहां पे हुई हैं, पॉलिटिकल किस्से कुछ इस तरीके के हैं। 1984 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, बीजेपी को कितनी सीटें आई थी, 2 सीटें। इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1977 में जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी से बीजेपी हट गई, ठीक है। तो यहां पे 1984 में आरएसएस की पूरी बैकिंग थी, जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़े थे तो खाली 2 सीटें आई थी। 2 सीटों से आज अगर हम देख रहे हैं 334 का आंकड़ा छुआ है, आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी को कहते हैं कि आरएसएस नहीं आगे रखा उनका नाम। 2009 में जब मोहन भागवत को यहां पे संचालक 2009 में बनाया गया, संघ संचालक, ठीक है, संघ प्रमुख, तो 2009 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से ये बोल दिया था कि ये जो है वो आपका आखिरी ही इलेक्शन है, इसके बाद अगर आप नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो आप हट जाइएगा फिर। तो यहां पे फिर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए। और यहां पे नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आगे किया गया, उसके बाद दोस्तों डायनेमिक्स बदल गए। तो वहां पे फिर ऐसी कंडीशन हो गई, आपको पता ही है कि बीजेपी जो है वो पावर में आ गई। तो यहां पे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली मोहन भागवत, बहुत दिमाग से सोचते हैं दोस्तों मोहन भागवत, तो उनका पूरा ब्रेन है। दूसरी चीज, बहुत सारे लीडर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे आरएसएस ने नॉमिनेट किया, इसमें सुषमा स्वराज भी हैं, ठीक है। आरएसएस काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि एक तो वो महिला है, ठीक है, और महिलाओं का तो राजनीति में आना बहुत कम, महिलाएं हैं राजनीति में, क्या कोई भी सेक्टर में अगर आप देखें तो महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो यहां पे बहुत सारे लोगों को आरएसएस की बैकिंग भी है, 2 प्रधानमंत्री तो आरएसएस में ही थे। और एक चीज बताता हूं, आपको पता है कि आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस के प्रिय थे, लेकिन आरएसएस ने उनको नॉमिनेट नहीं किया। जब बीजेपी 1984 से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को का चेहरा जो आगे बढ़ाया, इसके काफी रीजंस थे, खैर अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, अब छोड़िए। अच्छा, फिलहाल हम मोहन भागवत पे ही आते हैं। तो यहां पे मोहन भागवत जी 1999 तक पूरा ये एक्सपेंशन शुरू, और बहुत ही लो प्रोफाइल रहते थे, इनको जो काम दिया जाता था वो करते थे। उसके बाद दोस्तों 2000 में और 2004 तक इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चेंज हुई। 2004 में बीजेपी हार गई, और 2000 में जब HV शेषाद्री ने यह बोला कि हम आरएसएस चीफ के पद से इस्तीफा देंगे, तो यहां पे दोस्तों जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया, के सुदर्शन, ठीक है, और सॉरी यहां पे के सुदर्शन को न्यू चीफ बनाया गया, और जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया, सरकार वाह मोहन भागवत को। अब जनरल सेक्रेटरी सेकेंड पोस्ट होती है, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ये ऐसी पोस्ट होती कि इसके बाद जो प्रमोशन होगा आप सीधे हेड बनेंगे। तो मोहन भागवत को 2000 में जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। और फाइनली 2009, 21 मार्च 2009 सर संघ चालक मोहन भागवत को संघ का प्रमुख बनाया गया। और यहां पे बीजेपी 2 इलेक्शन हार गई थी। अब अभी मैंने आपको बताया कि 36 ऑर्गेनाइजेशंस में से सबसे प्रमुख बीजेपी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यही 2 पार्टीज हैं जो भारत की सबसे बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 इलेक्शन ऑलरेडी हार गए थे, 2004 में भी काफी इंटरनल डिस्टर्बेंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्शन हारे थे। तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तो रिटायरमेंट ले लिया कि मुझे अब नहीं बनना प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी को उनका नाम आगे किया गया। लेकिन अगेन 2009 में भी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, और इस समय 2004 से ज्यादा बुरी हार थी। तो 2009 के बाद जब मोहन भागवत आए और मोहन भागवत ने पूरा कार्यभार संभाला, तब उन्होंने साफ कर दिया कि
मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरा जो रास्ता है, वो जरा हटके होगा। ये जैसा कि अभी मैंने बताया कि काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, आके इन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये सूत्रों से पता चल गया और जो एक्शंस दिखे वो भी सबको पता चल गया। तो दोस्तों ऐसा है कि मोहन भागवत ने इसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए। अभी मैंने आपको बताया कि वो चेंजेस क्या थे। सबसे पहले तो उन्होंने शाखाओं के टाइम बदले, उन्होंने ड्रेस कोड थोड़ा सा बदला, फिर उन्होंने सोशल मीडिया को माध्यम बना के बहुत अच्छे से एक्सपेंशन किया। उसके बाद बीजेपी में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में चेंज किए, नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया, बहुत सारे यंग लीडर्स को नॉमिनेट किया, नितिन गडकरी को नॉमिनेट किया। नितिन गडकरी को दोस्तों 52 साल के थे उस समय और बहुत ही नया माना जा रहा था कि इनको पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन यहां पे मोहन भागवत का पीछे पूरी बैकिंग थी। उन्होंने बोला कि नितिन गडकरी बहुत ही जबरदस्त काम करेंगे और बहुत ही गजब काम किया, ठीक है ना। प्रवीण तोगड़िया को वीएचपी चीफ बनाया, पार्लियामेंट में नए नए यंग लोग भेजे। तो यहां पे मोहन भागवत जी को यह समझ में आ गया था कि अगर हमको चीजों को सही करना है तो वक्त के हिसाब से चलना होगा। आइडियोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो मोहन भागवत जी का यह कहना है कि हम अनेकता में एकता देखते हैं, हर किसी का यहां पे स्वागत है, चाहे कोई भी धर्म का हो, हर किसी का यहां पे स्वागत है, हर कोई सकुचल रह सकता है, बजाय उसको पीस मेंटेन करना होगा। हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा। और यहां पे दोस्तों कुछ वेस्टर्नाइजेशन आइडिया भी थोड़े बहुत यहां पे लाने की कोशिश की गई है, जैसे टेक्निकलिटी, ठीक है ना। टेक्निकलिटी यहां पे भाई साइंस की डिग्री है तो जाहिर सी बात है इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये उसी के हिसाब से सोचेंगे। तो यहां पे टेक्निकलिटी को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ये भी फैक्टर दिया। बहरहाल इनको बहुत ही एक व्यवहारिक नेता, बहुत ही काइंड नेता माना जाता है कि बहुत ही काइंड लीडर हैं और हर चीज को सोच समझ के फैसला करते हैं। तो ये चीज थी। अब दोस्तों ये अभी तक मोहन भागवत जी एक्टिव हैं, जो डिसीजंस होते हैं वो मोहन भागवत जी का बहुत ज्यादा हाथ होता है उसमें, और आरएसएस की डेफिनेटली यहाँ पे जो जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उसमें आरएसएस काफी इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरा लेक्चर था मेरा मोहन भागवत जी पे। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।